Students, we are going to start chapter solutions. What are solutions? Chemistry में हमने देखा है, we have many things, many substances. Some substances are pure, but some substances are mixture. Mixtures भी बहुत तरह के होते हैं, precipitated होता है, colloidal suspensions होते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं solutions. What are solutions basically? तो सॉल्यूशंस की हम डेफिनेशन लिखेंगे जरूर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये. सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. और ये सब्सटेंसेस किस किस तरह के हो सकते हैं, यह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में. इनफैक्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि गैस अगर मिक्स करें गैस में तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा. लिक्विड को अगर आप मिक्स करें लिक्विड में, लिक्विड को गैस में करें तो एक सॉल्यूशन मिलेगा. सॉलिड को अगर आप गैस में मिक्स करें तो एक टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा. गैस को लिक्विड में, इसी तरह से लिक्विड टू लिक्विड एक सॉल्यूशन होगा, सॉलिड टू लिक्विड एक सॉल्यूशन होगा, गैस टू सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड टू सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा. तो हमारे पास ऑब्वियसली 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड होमोजीनियस. लेट अस सी अ सिंपल सॉल्यूशन हियर. हियर आई हैव वॉटर, here I have water in which I have prepared a solution of sugar, in which I have prepared a solution of sugar. What do you mean by homogeneous? Homogeneous means dono substances jo hain wah uniformly distributed hain throughout the system, aur dono ki jo state hai wah मॉलिकुलर स्टेट है. होमोजेनस वर्ड का साफ मतलब है दोनों की स्टेट सेम है, दोनों मॉलिकुलर स्टेट में है. कोई ऐसा नहीं है कि प्रेसिपिटेट है, या कोई ऐसा नहीं है कि कोलाइडल स्टेट में है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं. दैट मीन्स बोथ द सब्सटेंसेस आर मिक्स थ्रू आउटली इन द सेम कंटेनर यूनिफॉर्मली एंड ऑब्वियसली इन द सेम स्टेट. वॉट यू हैव हियर, here you have water and sugar. जो solution होता है वह दो चीजों से मिलकर बना होता है, at least दो components होना चाहिए उसमें. First component is solvent. यहां जो water है वह solvent है और sugar जो है वह solute है. और इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझा जा सकता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज गिविंग राइज टू अ सॉल्यूशन. इफ यू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ गैस टू गैस देन व्हिच इज द सॉल्वेंट व्हिच इज द सॉल्यूट, दैट इज द क्वेश्चन. द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी देन अदर इज द सॉल्वेंट. तो मैं यहां लिख सकता हूं सब्सटेंस in larger quantity is solvent, that simple, and other is solute. एक से ज्यादा solute भी हो सकते हैं, लेकिन solution is only one. आप इसमें sugar के अलावा दूसरे components भी, दूसरे substances भी dissolve कर सकते हैं, that will be a multiple solution. Unless it is just a binary solution. Binary मतलब वहां पर केवल दो substances है, एक solvent और एक solute. लेकिन हमें ज्यादा मुश्किल नहीं लगती ये बातें समझना, बहुत आसान है. Common life में हम बहुत से solution देखते हैं. Gas to gas अगर हम बात करें, gas to gas बात करें, यहां solute और solvent अगर हम लेते हैं, इसे solute लेते हैं और इसे solvent लेते हैं. और सॉलिड और सॉल्वेंट को अगर हम देखें यहां पर,
तो हमारे पास किस तरह से होगा सब कुछ, गैस टू गैस, आप O2 को N2 के साथ मिक्स करें, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस टू गैस। लिक्विड अगर सॉल्यूट है आपका और सॉल्वेंट अगर गैस है, तो आप ईथर जो होता है, ईथर को इवॉपरेट करें, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में मिक्स हो जाएगा, इट विल बी ए सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। लिक्विड इज ईथर एंड सॉल्वेंट इज नाइट्रोजन। सॉलिड, सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है कैम्फर, जो कपूर होता है, कपूर आपकी एयर में मिक्स हो जाता है। अगर कपूर एयर में मिक्स हो गया, दैट मीन्स एयर इज द सॉल्वेंट एंड कैम्फर इज द सॉल्यूट, बट एयर मस्ट बी प्योर। बेसिकली आई वॉन्ट ओ टू ओनली, नॉट एयर, एयर इज अ मिक्सचर इटसेल्फ, सो इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ सॉल्यूशन, इटसेल्फ सॉल्वेंट ओनली, इट इज अ मिक्सचर ऑलरेडी, सो इट इज अ सॉल्यूशन। गैस टू लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ऑब्वियसली ओ टू इन द वॉटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वॉटर में ओ टू मिक्स हो जाती है। लिक्विड टू लिक्विड, एल्कोहल प्लस वॉटर इज अ लिक्विड टू लिक्विड सोल्यूशन, एल्कोहल का आपने वॉटर में डिजोल्व कर दिया, इट इज लिक्विड टू लिक्विड सोल्यूशन, एंड सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, दैट्स लाइक दिस सिंपली शुगर इन द वॉटर। नाउ दिस थ्री इज कंप्लीट, नाउ नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री डिफरेंट मोर सोल्यूशन। गैस डिजोल्व इन सॉलिड, गैस सॉलिड में डिजोल्व हो जाता है। अगर आप देखें, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एच टू गैस, जो है वो पैलेडियम मेटल पर डिजोल्व हो जाता है, पैलेडियम मेटल में थ्रू आउटली डिजोल्व हो जाता है। ऑब्वियसली वी सी दिस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिक्विड डिजोल्व इन सॉलिड, या लिक्विड इज मरकरी दैट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉलिड लाइक सोडियम और अदर मेटल्स, सोडियम और सिल्वर एक्सेट्रा, गोल्ड एक्सेट्रा, सोडियम की जगह आप गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, तो यह एक सोल्यूशन हो जाएगा सॉलिड टू सॉलिड। अलॉय लाइक सिल्वर प्लस एयू, दिस इज अलॉय, सॉलिड टू सॉलिड सोल्यूशन इज अलॉय। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, होमोजीनियस होगा, मतलब दोनों का स्टेट जो होगा मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्टेट होगा। तो हमने देखा व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कॉमन लाइफ में देख सकते हैं, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहां तक। अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं, कैसे इसे एक्सप्रेस करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखा है लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन की एक बात मैं आपको बता दूं, जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं आर ऑफ टू टाइप बेसिकली, फर्स्ट पोलर, और बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है वाटर, जिसकी मैं कई बार बात कर चुका हूं पहले चैप्टर्स में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर क्या होता है यह आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पहले चैप्टर्स में समझने को मिलता है, और नॉन पोलर, नॉन पोलर जैसे कि आपका बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा। तो पोलर जो होता है वह पोलर में बहुत अच्छा सोल्यूशन बनाता है, पोलर पोलर सोल्यूशन मिलता है आपको, नॉर्मली पोलर पोलर सोल्यूशन फॉर्म होते हैं, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो नॉर्मल मिट्टी के जो दाग होते हैं वो सिर्फ पानी से आप धो सकते हैं कपड़ों पर, क्योंकि वाटर उसे डिजॉल्व कर लेता है, नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसको आप अपने कपड़ों पर लगने पर वाटर से डिसॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ग्रीस जो होता है, ग्रीस या कोई ऑयल अगर आपके कपड़ों पर चिपक जाता है तो वो वाटर से अच्छे से साफ नहीं होता, उसे साफ अगर अल्कोहल से, या अल्कोहल के बजाय आप पेट्रोल लें, पेट्रोल से साफ करें या घासलेट से साफ करें, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं आप, तो बस जल्दी साफ हो जाता है वो, क्योंकि वो नॉन पोलर सब्सटेंस है, और नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि पोलर पोलर में अट्रैक्शन होता है, नॉन पोलर जो होता है नॉन पोलर में
डिसॉल्व हो जाता है। पोलर नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि जो नॉन पोलर होता है वो पोलर के बॉन्ड्स को तोड़ता है, क्योंकि पोलर पोलर सॉल्यूशंस में जो होते हैं वाटर के अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, उसको तोड़कर अगर कोई वहां डिसॉल्व होने की कोशिश करता है तो वाटर उसे रिपेल करता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कई सॉल्यूशंस आप देखेंगे, ऑयल को अगर आप वाटर में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ऑयल जो है वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को तोड़ेगा और उसके अंदर अपने मॉलिक्यूल्स को प्लेस करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड्स को तोड़ना मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, वह एनर्जी कहां से आएगी और क्यों आएगी यह भी जरूरी बात है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसे आप खुद समझ सकते हैं अपने रैशनल से। तो आगे देखते हैं हम मास परसेंट। हमें चार चीज यहां पर अच्छे से समझने की कोशिश करना है, एक तो मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलालिटी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस जो केमिकल रिएक्शंस होती है वह सॉल्यूशन में होती है, और सॉल्यूशन क्या होता है इसे भी आप समझिए। हालांकि सॉल्यूशंस के बारे में और उसकी पूरी स्टडी जो है हम क्लास 12 में करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होता है इसे आप समझिए। एक तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट में हम मिक्स करते हैं, यह दोनों मिलके बनता है सॉल्यूशन। इनफैक्ट जो सॉल्यूट होता है वह एक होमोजेनस मिक्सचर बनाता है पूरे सॉल्वेंट के साथ में। जैसे हमारा एक सॉल्वेंट हो सकता है वाटर, वाटर सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट हमने उसमें मिक्स किया है पूरी तरह से घुल गया है, डिसॉल्व हो गया है, जिसे हम कहते हैं डिसॉल्व हो गया है, तो वह हो सकता है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो सॉल्ट आपने उसमें मिक्स कर दिया, दैट इज ए सॉल्ट इज हियर सॉल्यूट एंड वाटर इज हियर सॉल्वेंट एंड इट बिकम्स ए सॉल्यूशन। तो मास परसेंट पहली बात है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज हमारे पास W जो है मास ऑफ सॉल्यूट है, W मास ऑफ सॉल्यूट है, और कैपिटल W यहां स्मॉल W लिया था मैंने, दिस इज कैपिटल W मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, टोटल मास। तो मास परसेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, इस सॉल्यूट का मास परसेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इनफैक्ट हमें इस तरह से लिखना चाहिए, मास परसेंट ऑब्वियसली ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास परसेंट कितना हो गया यहां पर, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज द मास परसेंट। एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं, तो हर एक का मास परसेंट अलग अलग होगा। बस हमें कुछ नहीं करना है मास परसेंट फाइंड करने के लिए, क्या करना है, जिसका मास परसेंट फाइंड करना है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये साफ लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पर है और मास ऑफ द सॉल्यूट जिसका हमें मास परसेंट फाइंड करना है। तो आगे देखते हैं हम मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और इन सबके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पता है, सपोज नंबर ऑफ मोल्स जो है Na है, एक के नंबर ऑफ मोल्स Nb है और एक और है जिसके नंबर ऑफ मोल Nc है, इसमें से एक सॉलिड हो सकता है दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स उनके पता है। और नहीं पता है तो आप पता भी कर सकते हैं, अगर आपका आपके पास उनका वेट है और मोलर मास है, तो अगर आपको वेट नोन है मोलर मास नोन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन में आपके पास Na, Nb, Nc तीन सब्सटेंसेस A, B, C के मोल्स हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना चाहिए? मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस
ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ चार सब्सटेंस है तो चारों का टोटल नंबर ऑफ मोल्स को समअप करना होगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस बी क्या होगा, यह होगा एन बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एंड सो। तो यहां पर हम इसे समझ चुके हैं। इसी तरह से अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सी फाइंड करना है आपको, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस सी भी फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली इसका जो नोटेशन है वह नोटेशन भी आप देख लीजिए, इसे इस तरह से लिखा जाता है एक्स ए एक्स बी या एक्स सी। अगर एक्स सी की बात करूं तो यह हो जाएगा एन सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इन दिस केस इट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं मोलैरिटी क्या होता। 36 ग्राम वाटर एंड 828 ग्राम एथाइल अल्कोहल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन इट। आपको पता होना चाहिए अगर यह आइडियल सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हुए आना चाहिए। यहां एन वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है और एन वन अगर आपको फाइंड करना है तो वाटर का वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द वाटर। वेट ऑफ वाटर 36, मोलर मास ऑफ द वाटर 18, दैट इज 2 मोल। एन जो होगा एन वन जो होगा 2 मोल होगा, एन टू कितना होगा, यहां पर आप देखिए इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, मोलर मास कैलकुलेट करना होगा मुझे यहां पर इथाइल अल्कोहल के लिए, एम ई लिखूंगा इसे मैं। C2 24 हो जाएंगे, H 5 है यहां 6 है तो 6H हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 है तो यहां हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा ये 30 प्लस 16 दैट इज 46 ग्राम पर मोल। तो वेट ऑफ अल्कोहल इथाइल अल्कोहल और मोलर मास ऑफ द अल्कोहल, वेट गिवन 828 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज टेकन व्हाइल मोलर मास ऑफ द अल्कोहल इज गिवन एज 46, दिस इज व्हाट, दिस इज 18 मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर क्या होगा, दिस इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर इज 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 2 प्लस 18, 2 बाय 20 दैट इज 0.1, दिस इज द मोल फ्रैक्शन फॉर द वाटर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसा कि हमने देखा देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और हमें सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की जरूरत भी होगी। कहीं पर सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो कंपेरेबल हो जाती है, लेकिन कहीं पर सॉल्यूट बहुत बहुत कम होता है और सॉल्वेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी केस में और डिफरेंट स्टेट, लिक्विड हो सॉलिड हो गैस हो, इस केस में हमें डिफरेंट एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेशन चाहिए और डिफरेंट यूज जो होता है वहां भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। तो हम कैसे कैसे मेजर करते हैं इसे बड़े आसानी से समझा जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज मास परसेंटेज, इट इज कॉल्ड मास परसेंटेज।